नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार। जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से बदल रहे हैं, साथ ही बदल रहे हैं वहां के सियासत ज्यादा लोगों के सुर। गृह मंत्री अमित शाह व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के दौरे के बाद वहां अतिरिक्त फोर्स की तैनाती ने ये सुर और हालात बदल दिए हैं। कभी भाजपा की सहयोगी रही पीडीपी नेता महबूब मुफ्ती खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं कि यदि 35 ए अथवा धारा 370 को हाथ भी लगाया तो पूरा जश्न जलकर राख हो जाएगा। समझ से परे है कि भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त फोर्स तैनात करने के फैसले से जम्मू कश्मीर के राजनेताओं के चेहरे क्यों खौफजदा हैं, क्यों वे बगावती भाषा बोल रहे हैं और आग में घी का काम कर रहे हैं। हालांकि ताजा घटनाक्रम को देखते हुए ये कयास लगाने शुरू हो गए हैं कि अन्य राज्यों के मुकाबले जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देने संबंधी धारा 370 और 35 ए पर अब संकट आ सकता है। यहां तक कहा जा रहा है कि इस बार का 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल जुदा और अलहदा होगा। शायद यही कारण है कि इस पर सभी की नजर लगी हुई है। देश में दो संविधान, दो प्रधानमंत्री और दो झंडे देने वाली धारा 370 और 35 ए लगभग पहले दिन से ही विवादों में है। इस पर चर्चा भी होती है, लेकिन सतही तौर पर धारा 370 को संविधान में पढ़ा जा सकता है, लेकिन यहाँ इतना जानना काफी है कि इसके चलते कश्मीर राज्य 3 मामलों में भारतीय संघ से जुड़ा है, बाकी मामलों में उसे स्वायत्तता हासिल है। इन धाराओं को हटाना कितना मुश्किल अथवा सरल है, ये जानने के लिए पहले हमें इतिहास पर नजर डालनी होगी। दरअसल भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। अंग्रेज जा जरूर रहे थे, लेकिन अलगाव का एक बीज भी बो रहे थे। वो भारत छोड़कर जा रहे थे, लेकिन रियासत को नहीं। रियासत मिलकर ही भारत बना, लेकिन बेहद चालाकी से उन्होंने एक प्रारूप तैयार किया। तर्क दिया कि चूंकि भारत के दो हिस्से किए जा रहे हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, लिहाजा इन रियासतों से पूछ लिया जाए कि वो किसके साथ विलय करना पसंद करेंगे। प्रारूप बनाकर 25 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल माउंटबेटन की अध्यक्षता में सभी रियासतों को बुलाया गया। विलय पत्र सभी रियासतों को बांट दिए गए। रियासतों के प्रमुख राजा व नवाब को अपना नाम, पता, देश का नाम व सील लगाकर उस पर हस्ताक्षर कर गवर्नर को देना था और गवर्नर को ही तय करना था कि कौन राजा किस देश के साथ रह सकता है। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह ने अपनी रियासत भारत में विलय करने का विलय पत्र देते हुए हस्ताक्षर कर दिए। इस पत्र में ना ही तो कोई शर्त थी और ना ही रियासत को विशेष दर्जा जैसी कोई मांग। इसे गवर्नर ने 27 अक्टूबर को मंजूरी दे दी। इस वैधानिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर होते ही समूचा जम्मू कश्मीर, जिसमें पाक के अवैध कब्जे वाला इलाका भी शामिल है, भारत का अभिन्न बन गया। बाद में सरदार पटेल की पहल पर रियासत व राज्य दोनों के ही कानून एक हो गए, जो केंद्र के संविधान के अधीन थे। यहां तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन 17 अक्टूबर 1949 को कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते जम्मू और कश्मीर आज तक विवाद का विषय बना हुआ है। दरअसल गोपाल स्वामी अयंगार ने संसद में कहा कि आधे कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा कर लिया गया है और इस राज्य के साथ समस्याएं हैं। आधे लोग उधर फंसे हुए हैं जबकि आधे इधर। यहाँ की समस्याएं अलग है, लिहाजा यहाँ के लिए एक अन्य आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर पूरे देश का संविधान लागू करना मुश्किल भरा होगा। अस्थायी रूप से यहाँ धारा 370 लागू करनी होगी और जब हालात सामान्य हो जाएंगे इस धारा को हटा लिया जाएगा। बेहद कम समय में ये आर्टिकल संसद में पास हो गया। ये संविधान में सबसे अंत में जोड़ी गई धारा थी। भारतीय संविधान के 21वें भाग का 370 एक अनुच्छेद है। इस धारा के 3 खंड हैं। इसके तीसरे खंड में लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा के परामर्श से धारा 370 को कभी भी खत्म कर सकता है। हालांकि अब संविधान सभा रही नहीं, लिहाजा राष्ट्रपति को किसी से परामर्श लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये भी समझने वाली बात है कि धारा 370 संसद लेकर आई है और वही इसे हटा भी सकती है। इसे इसलिए लाया गया था क्योंकि तब युद्ध जैसे हालात थे और पीओके की जनता इधर आ रही थी। ऐसे में वहां जनता के संपूर्ण संविधान को लागू करना तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उचित नहीं समझा। हालांकि मौजूदा समय पर पंडित नेहरू के उस निर्णय पर विपक्ष सवाल खड़े करता रहा। आइए बताते हैं हम आपको कि जम्मू कश्मीर के पास क्या विशेष अधिकार है। धारा 370 के तहत संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। किसी अन्य विषय से संबंधित कानून लागू करने के लिए केंद्र को राज्य सरकार से सहमति लेनी पड़ती है। इसी विशेष दर्जे के चलते
जम्मू कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती। राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। 1976 का शहरी कानून भी वहां लागू नहीं होता। अन्य राज्यों के वासिंदे वहां जमीन नहीं खरीद सकते। धारा 360 यानी देश में वित्तीय आपातकाल लगाने वाला प्रावधान भी वहां लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर के भारत में शामिल होने के बाद शेख अब्दुल्ला वहां के अंतरिम प्रधानमंत्री बने। 1952 में दोनों प्रधानमंत्री के बीच एक समझौता हुआ जिसे दिल्ली समझौता भी कहा गया। इसके तहत संविधान की धारा 370(1)(d) के तहत राष्ट्रपति को जम्मू व कश्मीर के राज्य विषयों के लाभ के लिए संविधान में अपवाद व संशोधन करने की ताकत देती है। इसका ही इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 14 मई 1954 को धारा 35(a) लागू कर दी। ये धारा जम्मू कश्मीर की सरकार व वहां की विधानसभा को जम्मू कश्मीर का स्थायी नागरिक तय करने का अधिकार देती है। इस धारा के आधार पर ही 1956 में जम्मू कश्मीर ने राज्य में स्थायी नागरिकता की परिभाषा तय कर दी, जो अब तक सबसे बड़े विवाद की जड़ है। पंडित नेहरू कैबिनेट में उद्योग और आपूर्ति मंत्री रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 का विरोध करते हुए एक देश में दो विधान दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेगा का नारा दिया। मतभेदों के चलते उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और फिर भारतीय जनसंघ की स्थापना की। 1953 में बिना परमिट यात्रा निकालने पर 11 मई 1953 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जून को रहस्यमय हालात में उनकी मौत हो गई। आइए एक नजर डालते हैं क्या लिखा है आर्टिकल 35(a) में। किसी अन्य राज्य का नागरिक जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं बन सकता, इसी कारण उसे वोट करने का अधिकार नहीं है। गैर कश्मीरी वहां जमीन भी नहीं खरीद सकता। दिलचस्प बात तो यह है कि यदि वहां की लड़की किसी बाहरी राज्य के युवक से शादी करती है तो उसके और उसके बच्चों के सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे, लेकिन यदि पाकिस्तान के युवक से शादी करती है तो उसे भारत की नागरिकता भी मिल जाएगी। जी हाँ, उस युवक को। किसी भी बाहरी व्यक्ति को राज्य में व्यापारिक संस्थान खोलने की भी इजाजत नहीं है। ये तो रहा इतिहास, अब बात करते हैं मौजूदा दौर की। भाजपा ने तमाम मतभेदों को दरकिनार कर जम्मू कश्मीर में पीडीपी को लेकर सरकार बनाई और फिर लोकसभा चुनाव से पूर्व उससे पल्ला भी झाड़ लिया। अब एक बार फिर बहुमत से सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर पर अपना फोकस किया है। वहां 10,000 से अलहदा और अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है। भारी सुरक्षा व्यवस्था में रहने वाले जम्मू कश्मीर के राजनेताओं को यह नागवार गुजर रहा है। सरकार का कहना है कि ऐसा वहां नागरिकों की जिंदगी को बचाने के लिए किया जा रहा है, तो राजनेताओं को इससे क्या परेशानी है? अगर वहां अमन चैन रहेगा तो दिक्कत क्या है? वहीं पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने बगावती तेवर दिखाते हुए कहा है कि यदि धारा 370 और 35(a) को समाप्त करने की कोशिश की दिशा में हाथ भी बढ़ाया गया तो जिस्म जलकर राख हो जाएगा। उन्होंने ट्वीट भी किया है कि यदि न समझो के दम मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी दास्तान में। अतिरिक्त फोर्स तैनात करने के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति करने वाले सभी नेता एकजुट हो गए हैं। सभी इस आशंका के साथ केंद्र की भाजपा सरकार धारा 370 और 35 से समाप्त कर सकती है अपने अपने बगावती तेवर दिखा रहे हैं। उन्हें आशंका है कि 15 अगस्त से पूर्व ही सरकार इस बारे में कोई ठोस कदम उठा सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी सभी अहम खबरों को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।